जगत जननी भू देवी भूमिजा हे महामाया, आपके उस सुंदर स्वरूप का दर्शन करने के लिए आज ये लंका का राजा, मिथिला की पावन भूमि में पधार रहा है। परंतु अफसोस, अफसोस कि इस अभागे को आपके उस सुंदर स्वरूप का दर्शन हो ना सकेगा। कौन 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 सोता था दशानन पर्यंक पर निशंकता से कि अभी अभी छौना एक स्वप्न में जगाए, कहता था उठो 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 शीघ्र दस कल्प उठो, उन्नति शिखर पर पहुंचो हर साल के, मुक्तिदा तुम्हारा नहीं मेरी मुक्ति का देने वाला मिथिला में नहीं। नादान छोकरे जानता नहीं मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूं, फिर मेरी मुक्ति का देने वाला मिथिला में नहीं। मुक्तिदा तुम्हारा मिथिलेश धाम में सुशील सौरभ्य सरसा रहा है सूरता सजाए के, अरे जानता नहीं नादान छोकरे जानता नहीं अरे कौन शत्रुता का कार्य किया, ये बुद्धि बल खाती है प्रबुद्धता बढ़ाई की। नादान छोकरे मुझसे शत्रुता करना अपने शीश को यमराज तक भेजना, ये चका चौंध सी भरी ज्योति अरे जगमगा दिया किसने आकर सी भर करा दिखलाया कौन प्रचंड दिवाकर, ये तारों का झुंड, तारों का झुंड तरंगे भर लड़ियों को तर तर और ये बंदी दल उमर घुमर करके क्यों चित्र सुशील मरोड़ रहा। लंका का कण कण मलिन हुआ, मेरी सोने की लंका इसका आज एक एक कण मलिन क्यों दिखाई दे रहा। लंका का कण कण मलिन हुआ, अरे मुरझाए कैसे रोम रोम जो रहे दशानन को भजते वो रटते हैं क्यों ओ ओ, जिनकी जवान पर सदैव मेरा नाम हुआ करता था आज वो ओंकार का नाम क्यों उच्चारण कर रहे हैं, कारण क्या है, क्यों क्यों वसुधा, क्यों वसुधा सुधा खपा करके अरे नैनों में भरती चकाचौंध इंद्रियां शिथिल क्यों होती हैं, ये रजनी क्यों हस्ती कौन कौन क्यों गगन गा रहा प्रलय गान, आज आकाश मंडल से ये प्रलयकारी आवाजें कैसे सुनाई दे रही हैं, क्यों क्यों गगन गा रहा प्रलय गान, ये दिक्पाल झुंड क्यों थर्राता और ये तुच्छ शनिश्चर, ए शनिदेव आज तुम भी मेरी ओर अपनी तिरछी निगाह करके मुस्कुरा रहे हो, नहीं
जानते नहीं शनिदेव, मैं वो लंकाधीश हूं जिसका नाम सुनकर ये दुनिया के प्राणी कांप जाया करते हैं। काल, उस काल को मैं अपने शयन करने वाले पलंग से बांध कर रखता हूं और वो मृत्यु नेत्र प्रति मेरे चरण दापती है। ये दुख सनिश्चर प्रबल बना, अरे आंखें तरेर कर मुस्काता, ये कैसा भीषण परिवर्तन है, कैसा भीषण परिवर्तन है आज मेरे जीवन में, ये कैसा भीषण परिवर्तन है। मंदोदरी कुछ कहना चाहती, मंदोदरी कहिए सामने, जाओ महलों में जाओ, आज मैं मिथिला की पावन भूमि में जाने चाहता हूँ, जाओ। जय शंकर की, जय शंकर की, जय चंद्रभाल की, जय मुंडवाल की, जय शंकर की, जय जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर। सावधान सावधान, कौन कहता है सावधान, ये बाणासुर सावधान है, अपनी हजार भुजाओं के बल पर सावधान है। सावधान सावधान, क्या बात है, मैं भगवान भोलेनाथ के ध्यान में मग्न था, अकस्मात मेरा ध्यान विचलित क्यों हो गया, क्यों ध्यान भंग हुआ, मेरा मन चंचल चित क्यों होता है, मृत्यु लोक अवलोकन को मन विचलित क्यों होता है, ऐसा न कभी अवसर आया, किस तरह हृदय में धरूं शांत, बस करूं याचना शंकर की, मर्दन कर देंगे वही भ्रांति। ध्यान करना चाहिए भगवान भोलेनाथ का। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपणं, यमासुरतो ही वक्रोपी चंद्रह सर्वत्र वंदते। बस विदित हो गया, ज्ञात हो गया, मालूम हो गया, हो रहा स्वयंवर सीता का उस मिथिलापुर राजधानी में, और वहां पर आने का किया विचार उस लंकापति अभिमानी ने। अभिमानी रावण भी जा रहा है तो उसके बराबरी का दूसरा योद्धा भी होना चाहिए, यदि कोई अत्याचार करता है तो अत्याचार सहन करने वाले को भी पाप लगता है, कोई विरोध तो करेगा नहीं, इसलिए दशानन के आनंद को वहां जाकर के मोड़ूंगा, अनर्थ ही यदि बने पड़ेगा तो पछाड़ूंगा न छोड़ूंगा। मिथिलेश्वर हमारे संबंधी हैं, उनके भी शुभ दर्शन होंगे और बड़े प्रेम से हृदय मिलन होंगे, चलना चाहिए मिथिला की ओर, चलना चाहिए। ओम नमः शिवाय, जय शंकर की, जय शंकर की। आइए आइए, विदेहराज सब कुशल तो है ना, हे मित्रों, हे सखा, सब कुशल मंगल है, और आज मैं धन हो गया, कहा भी गया है, जो ना मित्र दुख होए दुखारी, इन्हें बिलोकत पातक भारी। आज मेरी एक भूल के मैंने आपको, आप तक मेरी सूचना नहीं पहुंच सकी, मैं अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहा हूं, जिसमें देश देशांतर के राजा गण एकत्र हो रहे हैं, पर आज सखा मेरी भूल हो गई कि मैं आप तक
सूचना ना भेज सका, आप आ गए तो मैं धन्य हो गया, प्रफुल्लित हो गया। और आज आपको इस जनकपुर में पधार रहे हैं देश विदेश के राजागण, आपको समस्त व्यवस्था आपके हाथ में है, आपको देखना है कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे हम आपको कोई कष्ट आ सके। इसलिए इस जनकपुर की समस्त राजाओं की देखभाल आपको करना है सखा। आप चिंता न करें किसी बात की, आपका विश्वास विश्वास पूर्ण रूप से आपका असफल नहीं होगा। मैं यहाँ पर सब देखूंगा, आप चिंता ना करें। जिस तरह से सीता तुम्हारी पुत्री है, धर्म के नाते मेरी भी तो पुत्री है। यदि अधिकार है तो अधिकार के साथ में कर्तव्य भी हुआ करता है, ये तो मेरा परम कर्तव्य है। आप देखें अपना कार्यभार, ठीक आने वाले आ रहे जाने वाले जा रहे। कौन मास है जिसके भय से कांपते ब्रह्मा विष्णु महेश, आज जनकपुर आ गया वही वीर लंकेश। ओ लंकेश, जय शंकर की, जय शंकर की, जय जय शंकर की। जिक्र सुनकर आपका दिल हो गया है हैरान में, किस लिए तशरीफ लाए इस धनुष के मैदान में। अभी कोई हुआ नहीं, इनका दिल हैरान हो गया। आने का कारण बाणासुर जी, आपकी बातों से ऐसे महसूस होता है कि आप भी सिंह ध्वज की तरह ये चाहते हैं कि इसका खंडन हो। तो सुनो बाणासुर जी, इस पुराने धनुष को मैं तोड़ एक ही हाथ में, यदि मैं चाहूं तो भगवान शंकर के अजगब को एक ही हाथ से तोड़कर प्रतिज्ञा पूर्ण कर दूंगा। इस पुराने धनुष को मैं तोड़ एक ही हाथ में और सम्मान से ले जाऊंगा सीता को अपने साथ में। ये तो तुम्हारी हठधर्मी हुई, ये इस तरह की हठधर्मी करना इस राज्यसभा के परंपरा के विरुद्ध है। इसलिए मेरा परामर्श है, ध्यान देकर के सुनो, जित को छोड़कर रावण, जित को छोड़कर रावण जरा खामोश हो जाओ। ये सभा है राजपूतों की, न ज्यादा जोश दिखलाओ। शिव धनुष भारी है कैलाश पहाड़ी से, लंका को जाना तोड़ धनुष कर ब्यासिका सुकुमारी से। जो महाराज ने प्रतिज्ञा की है उसकी पूर्ति तभी होगी। अरे इंद्र के बच्च को जहां में चूर का डाला, छुपे जाकर समुद्र में तो काल पर मैंने घिया डाला। सदा से जीते रहते थे कि नेस्ता मौज का डाला, अरे फलक तक शोर है मेरा, मैं हूँ आफत का फल काला। चमक चंद्रहास की यह चंद्रमा तारीफ करता है, सजा दी काल को मैंने, जमाना मुझसे करता है, जमाना मुझसे करता है। क्यों नहीं, वाह सुनो, क्योंकि तुम्हारे 10 शीश हैं और 10 शीश हैं तो 20 यज्ञियाएं भी हैं। इसलिए जुबा जिसकी अधिक होती, जुबा जिसकी अधिक होती बातें ज्यादा बनाता है। अरे सभा का अदब रख रावण, क्यों ज्यादा बड़बड़ाता है। ऐ बाणासुर, ऐसा नहीं, ऐसा कहो कि भुजा तुम्हारी 1000 भुजाएं हैं, भुजा जिसकी अधिक होती वो क्या योद्धा कहता है, और तू कहां का वीर योद्धा है जो रौब मुझको दिखाता है, रौब मुझको दिखाता है। करी जो बहादुरी सुन तुझको सुनाता, सुनाओ। हाँ, पितृदेव की पूजा करने को पाताल प्रभात में जाता था, शेष नांग मिल जाता था, भूभार शेख से थका देख पृथ्वी को मैंने थाम लिया। एक बार नहीं,
कई बार शेष को है आराम दिया। ए बड़ा सुन, जैसा तू अपने बाहुबल का, जैसा तू अपने बाहुबल का, अरे पुरुषार्थ मुझे सुनाता है, जमा से तेज दिखला कर लोभ मुझ पर जमाता है। अरे पिता पाताल में तेरा, बली पिता पाताल में तेरा बड़ा नित दुख उठाता है। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं पृथ्वी पर लाकर यश को कमाता है। पता नहीं है ये पृथ्वी हमारे पिता ने दान दी है। क्या किसने बख्शी है जमीन, किसने बख्शी है जमीन, और किसकी है औकात है, कौन था ऐसा भिखारी जिसने ली खेला था। सबने सुना होगा नाम बलिदान। बलिदान कहां से शब्द आया, हमारे पिता बलि ने दान किया है, तब से इसका नाम हुआ बलिदान। मेरे पिता ने दिया जमी का दान, फल बख्शी का मामला सुनो लगा कर सुनाओ। मधु कैटव शंका सुर से दैत्यों को जिसने हारा है, और पालन प्रलय करने वाला वही है, वो प्रभु जिसने, वो इसका स्वामी है। आज आज उसी के कारण ये वर्णासुर तुम्हें बीच सभा में ललकारता है, ललकारता है। इसलिए पहले महाराज की प्रतिज्ञा की पूर्ति होने दो। ऐ वर्णासुर, कोई बाधा मत डालो। बड़बड़ा किस लिए रहा, बड़बड़ा किस लिए रहा, बनती नहीं तस्वीर भी, तोड़ के रख दूंगा तेरे दिल की ये तहरीर भी। ऐ वर्णासुर, अब सुनो, ये धनुष टूटे या ना टूटे, धनुष टूटे या ना टूटे, सिया कर देख पाऊंगा तो मुझे कौन रोकेगा, तू ये राजा नहीं। धनुष टूटे या ना टूटे, सिया कर देख पाऊंगा, मुझे कौन रोक सकता है, मैं सम्मान से ले जाऊंगा, सम्मान से ले जाऊंगा। तेरी पत्थरामी का, तेरे इस बदकलामी का मजा तुझको चखाऊंगा, करी जो हालत से इतना पाऊंगा वो हालत करके जाऊंगा। बड़ा सुन, तुम जानते नहीं खिलौना खेलते बच्चों को जब मैं गोद लेता हूँ, खिलौना खेलते बच्चों को जब मैं गोद लेता हूँ, ना पाऊं भाग्य की रेखा तो टांगे चीर देता हूँ। बहुत अच्छा काम, प्रबल आतंक है मेरा, प्रबल आतंक है मेरा, मुझे भुज बीस कहते हैं, ये भयानकता देखकर लोग डरे, मुझे तस्सीस कहते हैं। चले चले बरबंड अंदर देव, मूसलाधार बरसेगा, गगन का सूर्य अभी क्षणभर में पृथ्वी पर टूटेगा, प्रलय का रूप कर दूंगा, किंचित नाद से अपने लड़ा दूंगा मैं, ये तीनों लोग अपने हाथों से अपने। बड़ा सुर, ये बाहुएं कमल सम अर्पण कर, बाहुएं कमल सम अर्पण कर, मैंने कैलाश उठाया है, सिर्फ पार्वती का जोड़ा भी हंसों सा कर दिखलाया है। जंग में देवता लोगों ने हमले मुझ पर कई बार किए, अरे इंद्र का वज्र, ब्रह्मा की शक्ति, ये सभी अस्त्र बेकार हुए। आया था मैं यहाँ किस काम से, और क्या हो गया, नहीं मालूम था, ये विद्वान होते हुए भी एक मूर्ख से मवासा हो गया, इसलिए हमारे तुम्हारे बहस में वक्त ज्यादा जाएगा, हमारे तुम्हारे फैसला ये कमा बतलाएगा, धनुष तोड़ दो फिर जाओ। सही कहा बड़ा सूजी, आज मिथिला में कोई भी अपने आप को वीर नहीं कह सकता, क्योंकि महाराज सिंह ध्वज ने आज वीरता का प्रतीक चिन्ह समाज के सम्मुख रखा है। आज तो जो इसका खंडन करेगा वास्तव में सच्चा वीर वही कहलाएगा। तो यहाँ खंडन करने के लिए नहीं आया हूँ, हाँ गुरु मेरे का धनुष ये और सीता मात समान, जाता है बाणासुर ये अपने घर बलवान। जाओ बोलो सब लोग, बोलो बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की जय, जय जय शंकर की। धनुष तोड़ के आना, नहीं तो मत आना। यहाँ आया था कुछ काम से, कुछ और हो गया, करके बहस इस बेअकल से सर खपाना हो गया। आया था मैं
उस ब्रह्म का दर्शन करने के लिए, और ये मूर्ख बीच में आकर बहस करने लगा। अब मैं अपने कार्य की पूर्ति के हेतु यदि इस समाज में कोई ब्रह्म मनुष्य का रूप धारण करके उपस्थित है तो मैं उसका आवाहन करता हूँ, मेरे सन्मुख आए, आज मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। वाह, सुना था कि मर्यादा पुरुषोत्तम, और आज देख भी रहा हूं कि मर्यादा का पालन करते हुए, अपने क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए आज इन्होंने मेरे चरणों में प्रणाम किया। तो राम, मैं भी आज अपने ब्राह्मणत्व को निभाते हुए आपको आशीर्वाद देता हूं, विजयी भव, विजयी भव। राम, जब हमारा और आपका सामना हुआ ही है तो हमारी हृदय की इच्छा है कि आपके भाग का वर्णन कर सकूं। विद्वानों में प्रकांड विद्वान, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता, दशमुख, दशकंधर, दशमौर्य, दशकंठ, दशभाल, दशीस, दशग्रीव, कंचन नगरी के सम्राट महाराज श्री दशानन जी, कहें आप क्या कहना चाहते हैं? राम, हे राम, तुम्हारी भक्ति पर पिता मरण वनवास लिखा और देखा बाई भक्ति पर, तो लंका पति का नाश लिखा। अंकित ललाट पर जो शोभित आपके मस्तक की रेखाएं जो बता रही हैं, वो अकाट है, उन्हें कोई काटने वाला नहीं है। अंकित ललाट पर जो शोभित वह भी अकाट, मैंने देखा कि पिता मरण फिर सिया हरण। पहले आपके पिताजी का देहावसान होगा, इसके बाद आपकी भार्या सीता का हरण होगा। पिता मरण फिर सिया हरण, संग बंधु वियोगी की रेखा। एक बार तुम्हें अपने भाई के वियोग में रोना भी लिखा है। राम, किया वादा था आएंगे, किया वादा था आएंगे, अभी तक सुध नहीं लीनी, निठुर प्रभु बन गए ऐसे, मेरी विपदा नहीं चीनी। अवध में आ हुए पैदा, जन्म भी ले लिया, अवध में आ हुए पैदा, पता किंचित नहीं दीना, दशानंद के चढ़ाने को ये दूल्हा वेश धर लिया। अब राम, हे राम, निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंग को चले आना, उस मोक्ष दायिनी सीता को हे धर्म धुरी साथ ले। क्या, जब मैंने सीता को लाने के लिए कहा तो आपकी भक्ति तन गई? तो राम सुनो, जब आप वनवासी होकर पंचवटी पर आओगे तो मैं भी पंचवटी पर आऊंगा, और छल से, बल से, कौशल से सीता को ले जाऊंगा। तब तो अधीर व्यग्र होकर चढ़ आना स्वामी लंका पर, बैठाल के बाण विमानों पर कर देना सागर के तट पर। एक शब्द प्रयोग किया आपने, निमंत्रण, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन जब बात आ ही गई, आप ब्राह्मण हैं और मैं क्षत्रिय हूं, पंडित जी को निमंत्रण हो जाए फिर दीजिए निमंत्रण। पंडित जी को निमंत्रण शब्द बड़ा प्रिय है, और हम क्षत्रिय हैं, ये हमारे लिए निमंत्रण नहीं है, ये हमारे लिए तो चुनौती है, चुनौती। और क्षत्रिय को यदि कोई चुनौती देकर चला जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। यदि चुनौती दी है तो सच्चा क्षत्रिय यदि है तो उस चुनौती को वो स्वीकार करे। जय हो आप। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। कहो। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार,
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अब सब जानते हैं हमारे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, हमारे आने का लक्ष्य क्या है। आपसे कुछ छिपा नहीं है, मैं हेतु तुम्हारे दशकंधर इस पृथ्वी तल पर आया हूँ। अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का लाल कहाया हूँ। कुछ दिवस ठहर सीता के निमस मैं धाम तुम्हारे आऊंगा। बालों की सैया बिठा तुम्हें मैं परम धाम पहुंचाऊंगा। देखो ये मृतलोक की सत्यता है, मृतलोक की जो सत्यता है इसको तो कोई मिथ्या कर ही नहीं सकता। जो आया है उसे जाना पड़ेगा। धीरे धीरे सब जाएंगे, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, धीरे धीरे सब जाएंगे। और जब आप जाएंगे तो माध्यम में बन जाऊंगा, केवल कष्ट इस बात का होगा। भूलो कि जो आया है, भूलो कि जो आया है तो उसे जाना जरूर। बीच राह में खड़े हम मिले। आपने कुछ देने के लिए कहा तो सुनो प्रभु, जय हो, जय शंकर की। मेरा मतलब मेरा कार्य सिद्ध हुआ, दर्शन हो गया, चलता हूं लंका की ओर। जय शंकर की, जय